एक बड़ी न्यूज़ आ रही है अजय देवगन के फिल्म्स को लेके, जो आने वाली कुछ फिल्में हैं उनकी, उसको लेके OTT राइट्स की एक खबर आई है, वो मैं बता देता हूँ आपको। डोंट वरी कि कोई भी मूवी डायरेक्ट OTT पे नहीं रिलीज़ होने वाली है। जियो बैग्स पोस्ट थिएटरिकल स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अजय देवगन फिल्म्स ब्लैक मैजिक, रेड टू एंड दृश्यम थ्री। अब देखो, वो जो ब्लैक मैजिक फिल्म है ना, मेरे अकॉर्डिंग उसी का नाम वो जो वंश वश करके फिल्म आने वाली थी ना, उसका ही नाम शायद वो ब्लैक मैजिक है। ओके, मैं उस पर अब थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा आदि पुरुष को लेके हम बिज़ी है, इसलिए मैं तो आज ही बनाऊँगा उसको लेके वीडियो। एक रेड टू और एक दृश्यम थ्री, मैं स्पेशल तीन वीडियोज़ आज बनाने की कोशिश करूँगा उसमें हम, क्योंकि अब ये मूवी कन्फर्म हो चुकी है कि ये आने वाली है, क्योंकि अब जियो ने राइट्स लिए हैं इन मूवीज़ के। आप समझ रहे हो आप लोग, इतने दिन तक कंफर्म कुछ नहीं था। हम बार बार अंदाज़ा लग रहे कि भाई रेड टू आएगी। एक बार तो एक न्यूज़ मुझे मिली थी कि भाई रेड टू नहीं आएगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। मैं तुरंत ही वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, डोंट वरी। और दृश्यम थ्री तो आने वाली है, मैंने पहले भी दिया था न्यूज़। और ब्लैक मैजिक ही वो फिल्म है, जियो के पास उसकी राइट्स है। इसका मतलब मूवी एक बार थिएटर में आने के बाद जब वो OTT पे आती है तो वो जियो पे आएगी, जियो सिनेमास पे। बड़ा हाथ मारा है यहाँ पे अंबानी ने, मज़ा आ गया। अब बात करते हैं दूसरी एक फिल्म आदि पुरुष के बारे में, कि भाई अजय देवगन बहुत नाराज़ है, ऐसे कुछ गधों ने अफवाह फैलाई, क्योंकि ओम राउत ने आदि पुरुष में अजय देवगन को नहीं बल्कि प्रभास को काम दिया। तो मैं आपको एक 2021 का एक ट्वीट बता रहा हूँ, जाइए जाके अजय देवगन इंस्टा सॉरी ट्विटर सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको 2021 जब अनाउंसमेंट हुई थी आदि पुरुष की, सबसे पहला ट्वीट कॉन्ग्रेचुलेशंस का ओम राउत को और प्रभास को किसने किया था? अजय देवगन ने। तो अफवाह फैला के अब क्या मिलेगा? TRP चाहते हो क्या आदि पुरुष की? और दूसरी बात, जो लोग ये बोलते हैं कि मैदान भाग गई आदि पुरुष से डर के, भाई मैदान के पास, चलो ठीक है, मैं एक मिनट के लिए ये भी मान लेता हूँ कि मैदान के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ओम राउत और अजय देवगन अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ढकेल दी उन्होंने आगे वो मूवी, समझ रहे हो। और अगर आप ये भी बोलोगे कि भाई चलो ठीक है मैदान डर गई आदि पुरुष से, फ़र्क क्या पड़ता है? आदि पुरुष इज़ अ बिग बजट मूवी, मैदान उतनी बिग बजट मूवी नहीं है। तो डर गई ये बोलना है तो भी बोल सकते हो आप, लेकिन फैक्ट ज़रा सुनो। फैक्ट ये है कि आदि पुरुष जो है वो ओम राउत का ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप की फिल्म है। तानाजी में अजय देवगन और ओम राउत ने साथ में काम किया है, आगे चल के शायद उनकी एक और हिस्टोरिकल फिल्म आने के चांसेस है। तो ऐसे में शायद ओम राउत ने ही रिक्वेस्ट किया होगा अजय देवगन को, क्योंकि देखो टीज़र जब आया था मैदान का, जो मूवी 7 बार पोस्टपोन हुई है वो 8वीं बार भी पोस्टपोन हुई, उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। इस बार मूवी तो तैयार है आप पूरी के पूरे, अब तो इनको कोई डाउट नहीं था, पर फिर भी पोस्टपोन हुई, तो उसके पीछे वन ऑफ द बिग रीज़न आपको वही है, बाकी कोई रीज़न नहीं। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अपडेट्स आती रहेगी। एट प्रेजेंट वो अजय सर वाली भी वीडियोस बनानी है, आज थोड़ा बिजी हूँ तो लाइव नहीं आ पाऊँगा, मैंने एक्चुअली कमिटमेंट की थी। कल दोपहर के वक्त आ सकते हैं हम, आदि पुरुष वैसे भी देखी होगी मैंने, 2D देखने के बाद आऊँगा मैं। 3D का सुबह का शो है मेरा, अर्ली शो है वो, और 2D का उसके एक्चुअली तुरंत बाद नहीं है, 2 आवर का बीच में गैप है, उसके बाद 2D का शो है। तो 2D का होने के बाद मैं ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा, या फिर सैटरडे संडे दोपहर हम पूरा आदि पुरुष के एपिसोड्स ही लाएंगे। ओके, शेयर कीजिए वीडियो को, टेक केयर।